वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और हां दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और किसी भी कारण से आप फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, आप उसको रखना नहीं चाहते हैं, तो आप उसको परमानेंट तरीके से कैसे डिलीट कर पाएंगे, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो हां दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए आपको मैं बताता हूं कि आप फेसबुक अकाउंट कैसे परमानेंट तरीके से डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जहाँ भी आपके मोबाइल में है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स मिलेंगे। थ्री डॉट्स पर यहाँ ओके करेंगे। थ्री डॉट्स पर ओके करने के बाद और नीचे देखेंगे तो सेटिंग एंड प्राइवेसी ऑप्शन आएगा, इस पर ओके कर देंगे। यहाँ देखेंगे आप सेटिंग ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप ओके कीजिएगा। सेटिंग ऑप्शन पर ओके करने के बाद कुछ इस तरीके के ऑप्शन खुल जाते हैं। सबसे ऊपर आएगा अकाउंट्स, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको देखना है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर ओके करने के बाद देखिए, सबसे पहले तो आपका ये नाम शो करेगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो करेगा, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन और अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल। याद रखेंगे अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, इस पर आपको ओके कर लेना है। यहाँ पर ओके करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे डीएक्टिवेशन एंड डिली, यहां पर ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर पे, इसको आप ओके कर लेंगे। इसको ओके करने के बाद देखिए यहां पर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है डीएक्टिवेट अकाउंट, दूसरा आता है डिलीट अकाउंट। तो दोस्तों, यहां पर लोग क्या करते हैं कि डीएक्टिवेट अकाउंट कर देते हैं, इससे क्या होता है पूरी तरह से ये डिलीट नहीं होता है। तो आपको यहां पर नीचे वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, यहां पर टिक करेंगे, ये ब्लू कलर का टिक हो गया यहां पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है डिलीट अकाउंट। तो आप भी अगर अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट अकाउंट ही सेलेक्ट करिएगा। और नीचे आप देख रहे होंगे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, तो यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। इस पर ओके करने के बाद ये आपसे बहुत सारे ऑप्शन देता है, यहाँ पर आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, आई हैव प्राइवेसी कंसर्न, आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक, माई अकाउंट वॉज हैक्ड, आई नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूजफुल। तो यहाँ पर आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन यहाँ पर आपको ओके कर देना है इस ऑप्शन पर। तो यहाँ पर ओके करने के बाद ये आपसे कई ऑप्शन पूछेगा, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे परमानेंटली डिलीट अकाउंट, ये ऑप्शन आ रहा है। और बिफोर यू डिलीट योर अकाउंट, अगर कोई एक्टिविटी आपको करनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन से संबंधित, अगर कुछ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं उनके लिए, तो नीचे आप देख रहे होंगे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आपको डिलीट अकाउंट पर ओके करना है, क्योंकि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये आपसे आपके अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा, आप अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर भर दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू। तो आइए सबसे पहले मैं भी इस अकाउंट का पासवर्ड भर देता हूँ। देखिए दोस्तों, पासवर्ड भरने के बाद आपको कंटिन्यू पर ओके करना है, ये मैंने कंटिन्यू पर ओके कर दिया है। और देखिए उसके बाद आपसे ये दोबारा ऑप्शन पूछ रहा है कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, तो यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर आप ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी अकाउंट आपने डिलीट किया है उसके लिए यहाँ पर 30 डेज का समय लेगा, क्योंकि देखिए दोबारा अगर आप इसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ऊपर बता देगा कि हाँ आपका अकाउंट कब डीएक्टिवेशन के लिए फाइनल डेट दी गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से उनको भी फ़ायदा हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं।